ट्रिप पर निकलने से पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा चमक दमक लिया जाए, लेकिन यार पता लगा कि यहाँ से ना थोड़े से बाल सफ़ेद होने लगे हैं। फिर मैं सोच रहा हूँ कि यार अभी तो उम्र इतनी हुई नहीं है कि बाल सफ़ेद होने वाले हैं, और साथ के साथ आजकल मैं नोटिस भी कर रहा हूँ कि 20 साल की उम्र के बच्चों के भी बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं। देन थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता लगा कि खाने पीने की वजह से, प्रॉपर शेड्यूल ना हो उसकी वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, और यू नो जिंदगी में सबसे बड़ा स्ट्रेस, यू नो कितनी स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है, तो इन सब की वजह से उम्र से पहले बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। तो मैं देख रहा था कि कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए कि जिसको मैं रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकूं और वो हो केमिकल फ्री। तो मुझे मिला मामा अर्थ का हिना हेयर ऑयल और हिना शैम्पू, जो बने नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ, और इनको यूज करना बहुत ही ज्यादा आसान है। सबसे पहले यूज करेंगे हिना हेयर ऑयल, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं, सबसे पहले यूज किया गया हिना, इसके अंदर एंटी माइक्रोबायल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है जो आपकी स्किन को सूट करते हुए समय से पहले सफेद होने वाले बालों को रोकता है। सेकंड इसमें इंडिगो ऑयल यूज किया गया है जो आपके डैंड्रफ का इलाज करता है और आपके स्कैल्प को सूज करते हुए बालों को अच्छा बनाता है। थर्ड इसमें यूज किया गया है कॉफी ऑयल, ये आपके बालों को ग्रोथ होने में हेल्प करता है, साथ के साथ आपके बाल को स्मूथ और सॉफ्टर बनाता है। हिना हेयर ऑयल को यूज करने के बाद आप इसको 4-5 घंटे छोड़ दीजिए या फिर पूरी रात भी छोड़ सकते हैं। देन आपको करना है हिना शैम्पू, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं, फर्स्ट हिना, ये समय से पहले आपके बालों को सफेद होने से रोकता है और बालों को पूरा पोषण देता है। सेकंड यूज किया गया है डीप रोस्ट कॉफी, ये आपके बालों के टेक्सचर को बढ़ाता है और साथ में मुलायम भी करता है। थर्ड इसमें यूज किया गया इंडिको ऑयल, ये समय से पहले बालों को सफेद होने से रोकता है और बालों को मैनेजेबल भी करता है। फोर्थ इसमें यूज किया गया है नारियल का तेल, ये आपके बालों को मॉइस्चराइज करते हुए आपके बालों को बढ़ने में हेल्प करता है। क्या मस्त सिल्की सिल्की फील हो रहा है और मस्त खुशबू आ रही है, जबरदस्त। तो आप इनको रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हैं क्योंकि मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट केमिकल फ्री है। और अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, आप इनको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नाइका से बाय कर सकते हैं। साथ में दे रहा हूँ आपको कूपन कोड PEACE2022 जो एप्लीकेबल है मामा अर्थ की वेबसाइट, एंड्रॉइड, iOS एप्लीकेशन पे, जिसको यूज करने पे मिलेगा आपको 20% का फ्लैट डिस्काउंट। एंड यू नो मामा अर्थ का सबसे अच्छा इनिशिएटिव पता है क्या है, ये लोग प्लान कर रहे हैं 2025 तक 1 मिलियन ट्री को प्लांट करने का, और अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके बिहाफे ये एक ट्री प्लांट करते हैं, जिसको आप ट्रैक कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो फाइनली अपन हो गए रेडी, तैयार हो गए निकलने के लिए, और अभी रात के बज रहे हैं 3:10 बाकी है लगभग, और गुड्डा सो रही है, पूजा वेट कर रही है मेरा निकलने का, और बिल्ली परेशान हो रही है कि भैया कहीं तो जाया जा रहा है, पिछले 2-3 दिन से देख रही है कि गाड़ी लोड हो रही है, बंदा कहीं तो जा रहा है, देखो कैसे देख रही है। यस, तो अपनी गाड़ी बिल्कुल सेट है, पीछे से लेके आगे तक अपने सारी चीज़ें सेट है। ये निकाल लेता हूँ क्योंकि दिल्ली क्रॉस करनी है, इसके ऊपर चलान हो जाएगा मेरे भाई। भैया अपन आ गए हैं गाड़ी के अंदर, और ये हमारा आज का ना व्लॉगिंग सेटअप है, अपना इंस्टा 360 ONE RS, जो इसके ऊपर मैंने छोटा सा माइक कनेक्ट किया है, और अब इसी से व्लॉगिंग करेंगे अपन चलते हुए। बाकी अपना एक इंस्टा 360 ये रहा, 1X2, और एक अपना GoPro लगा हुआ है, DSLR पैक करके रखा हुआ है मैंने, जरूरत नहीं है गाड़ी चलाते टाइम, जब अपन लोकेशन पे पहुंच जाएंगे तब यूज करेंगे। हर हर महादेव। ठीक है जी, लो जी निकल गए हम लोग अपने नए बिल्कुल फ्रेश वाले रोड ट्रिप पर। अपन जा रहे हैं एकदम बढ़िया वाले पहाड़ों में, क्योंकि यार पहाड़ों के बिना अपनी जिंदगी अधूरी है, और पिछले 1.25 महीने से अपन कहीं गए भी नहीं है, टोटली DIY चल रहा है अपनी कैंपर वैन के अंदर, टोटल रिनोवेशन चल रहा है, तो इसीलिए अपन ने सोचा कि अपन पहाड़ों में चलते हैं। और लास्ट, क्योंकि लास्ट सीजन है, इसके बाद स्नो पड़ जाएगी अगले महीने, तो जो ग्रीनरी वाला टच है ना वो सब खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए अपन जा रहे हैं पहाड़ों में। लेकिन आपको बता देता हूँ, हिमाचल प्रदेश नहीं जा रहे, मनाली नहीं जा रहे, हम लोग जा रहे हैं पहाड़ों के अंदर ही, और एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ पर आज तक मैं कभी गया नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, वो रोड ट्रिप, वो वाला हाईवे मेरे लिए फर्स्ट टाइम होने वाला है। फुल कर।
तो भैया आजकल ना वेदर इतना ठंडा हो गया कि अपने को ना एसी चलाना नहीं पड़ रहा, और अपनी गाड़ी के अंदर इतना पेट्रोल था कि लगभग मैंने ना 100 किलोमीटर कवर कर लिए उतने पेट्रोल में। अगर एसी चलाना पड़ता ना तो 50 किलोमीटर भी दम तोड़ देती। अब पूरा मैंने हाईवे क्रॉस कर लिया, यू नो जो मेरठ एक्सप्रेस वे पड़ा था वो पूरा हमने कवर कर लिया। तो हम लोग मेरठ पहुँच गए, और मेरठ कब पहुँचे पता ही नहीं चला। अरे यार फॉग लैंप ऑन है इसकी, मैंने ना डायरेक्ट कनेक्शन कराया हुआ है ताकि इसको ना एज अ पार्किंग यू नो एम्बियंस लाइट की तरह हम लोग इसे यूज़ कर पाए, क्योंकि कैंपिंग करने वाले बंदे हैं तो हर एक चीज़ कैंपिंग के हिसाब से सोचेंगे ना, ड्राइविंग के हिसाब से कम सोचेंगे। और फिलहाल हमारी ऑनिंग वगैरह बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है, एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है, हमारा शावर टेंट भी ओके की रिपोर्ट है। ओके तो 3570 रुपये का पेट्रोल आया है 37 लीटर। गाड़ी ने जो कर ली पेट पूजा, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, हम भी कर लेते छोटी सी एक पेट पूजा, क्योंकि पूजा ने दिया है हमें कुछ खाने को, तो उस पेट पूजा को क्यों ना यूज़ कर लिया जाए। तो देख रहे हो घर घर वाले देखो सब कुछ होती है भी ऐसे पन्नी में बांध कर देते हैं यार। वाह केला खाते हैं और एक गाना सुनते हैं। ओए होए होए दिल्ले। राइडिंग विद पीस करके है ये लिखा हुआ है। ओके भैया जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ। तो लूफी चल रहा है यार, असली गाने की बात ही अलग है। All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. तो भैया अभी दोपहर के बज रहे हैं लगभग 12:30। असली लोकेशन पे मैं सुबह 7 बजे के आसपास पहुंच गया था, मेरे को बहुत तेज नींद आने लग गई, फिर उजाला भी हो गया था, एक ट्रांजिशन ब्रेक लेना था। तो अभी जिस लोकेशन पे यहाँ से पूरा ऋषिकेश दिखता है एक नंबर। अभी पूरा फॉगी हो गया, जब मैं सुबह यहाँ पहुंचा था एकदम नीट एंड क्लीन था, मतलब दूर दूर तक सब कुछ क्लियर दिख रहा था। मेरी ना एक सबसे बड़ी गलती है कि मैं चाबी ना गाड़ी के अंदर ही छोड़ देता हूँ, और अगर मैंने लॉक लगा दिया तो भैया इस बार हूँ अकेला, पता नहीं क्या होने वाला है, इस चीज़ का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। अरे यार एक चीज़ तो भूल ही गया, मेरे को दूसरी बैटरी भी चालू करनी थी ताकि वो भी चार्ज हो सके। चलो जी दूसरी बैटरी भी मैंने चालू कर दी। तो गाड़ी होने का ना ये फ़ायदा होता है कि जब आपको नींद वगैरह आ रही हो ना तो आप आराम से ब्रेक ले सकते हो, कहीं पर भी सेफ प्लेस देखा, गाड़ी खड़ी करी और आप सो गए। और अगर यहीं पे ना बाइक होती तो भैया बहुत बार मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम लोग नहीं कर पाते हैं। जो बेसिक हमारा रहता है वो यही है कि बाइक पे अपना जहाँ तक पहुँच रहे हैं वहाँ पहुँचना ही है कैसे भी करके, सिर्फ ढाबे पर चाय वगैरह पीने के लिए रुक सकते हैं। फिलहाल चाय से याद आया यार, एक चाय ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि सुबह अपनी 12:30 बजे हो रही है, तो अभी पीना बनता है यार। तो कहीं रुकते हैं, खुद नहीं बनाएंगे अपन, कैंपिंग में बनाएंगे ना, तो कैंपिंग करने निकले तो ढाबे वगैरह पे पी लेते चाय। 27 कम है, 40 कर देना इनको ना। 27 PSI था आगे वाले टायर में, और अपन ना इस बार ज़्यादा सामान कैरी करें क्योंकि अपने को ना थोड़े डिफरेंट लेवल की कैंपिंग करनी है। अगर डिफरेंट लेवल की कैंपिंग करनी तो यू नो सामान तो कैरी करना पड़ेगा, तो मैं 40 करा रहा हूँ चारों टायरों में। वैसे भी गर्मी वाला टाइम है नहीं कि टायर ब्लास्ट हो जाए, ठंड का मामला है, ठंड सर्दी है। चलो चाय पीते हैं और थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं।
सबको बताएं, कर्जों का मामूल आ चुका है और गज्जक वगैरह का हर जगह आराम से मिल जाती है। यहाँ पे ये मुझे गज्जक मिली और 70 रुपये का पैकेट है 250 ग्राम का, एकदम बढ़िया टेस्ट। तो भैया चाय वगैरह पी लिए, थोड़ा सा फ्रेश और हो गए, अब चलते हैं सीधा आगे की तरफ। यहाँ से जो पहली डेस्टिनेशन है वो लगभग रह गई है 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर के बाद हम लोग अपना तंबू बंबू गाड़ेंगे। क्या बात है, टाइगर गई है अभी। थोड़ी देर पहले BMW GS 1250 गई थी। वाह, अभी हम लोग बाइक चला नहीं सकते लेकिन बाइक देख तो सकते हैं। तो भैया जैसे तैसे करके अपन पहुंच गए लोकेशन पे, लेकिन ना लोकेशन मैंने इस बार दूसरी चुनी हुई थी कि अपन उधर कैंप करेंगे उस तरफ जहाँ पे आपको एक छोटी सी हट बनी हुई दिख रही होगी। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पे ना लेक का जो लेवल है वो काफ़ी बड़ा हुआ है, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, तो उधर का रास्ता बंद हो गया था तो उधर जा नहीं पाए। तो वहीं से थोड़ा सा आगे आया तो यहाँ पे ये एक अभी गार्डन एरिया में डेवलप हो रहा है, रोड के साइड में ही है, बिल्कुल रोड उस तरफ है, उसके साइड में गार्डन एरिया डेवलप हो रहा है, कुछ दिनों में एक गार्डन बन जाएगा। तो मैंने सोचा इधर ही क्यों ना अपना तंबू गाड़ लिया जाए, क्योंकि अगर उधर भी कैंप करता तो वहाँ पर भी ऐसी सरफेस रहता पूरा ऐसे ही ऑफ रोड टाइप का। बाकी यहाँ से नज़ारा एक नंबर है, बहुत बढ़िया ज़बरदस्त व्यू है। जो व्यू मुझे यहाँ से देखने पर मिल रहा है ना वो मुझे वहाँ से देखने पर नहीं मिलता। वो बोलते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो काम करते हैं, भूख लग रही है बड़ी ज़बरदस्त वाली, कुछ बना लेते हैं, खा लेते हैं और सैम की किचन को ओपन करते हैं। ये लो जी, खोलते ही सब कुछ नीचे गिर पड़ा है। शॉपिंग वगैरह सारी डन हो गई है और इधर मैंने सारा सब कुछ सजा धजा लिया है, एक एक करके कुक करेंगे। आज अपन बना रहे हैं थोड़ा सा चाउमीन बना रहे हैं, थोड़े से फ्राइज बना रहे हैं जिसमें अपन यूज करेंगे मशरूम भी, अपने पास कॉर्नस हो गए, एग फ्राई बना लेंगे, 2-3 वैरायटी और बना लेंगे ताकि एक अच्छा सा लंच जो भी है वो सब कुछ हो जाए बढ़िया वाला। मतलब कुकिंग करेंगे थोड़े डिफरेंट स्टाइल में, हर एक तरीके का जायका वो ज़रूर लेंगे।
भैया ओपन में कुकिंग करने का मज़ा ही कुछ और है, और ख़ासकर अगर आप अपने लिए और डिफरेंट टाइप की वैरायटी बना रहे हो, ओहो मज़ा ही यार, फुल मज़ेदार, अलग ही वाइब्स आ रही है। मतलब इतनी बड़ी लेक मेरे साथ में है और ऊँचे ऊँचे माउंटेंस, फुल बादल शादल, ठंडा ठंडा वेदर, मज़ा ही आ रहा है। तो भैया अपनी ये बनके रेडी हो गई है, इसको निकालते हैं सबसे पहले यहाँ पे। मस्त बनिया। पिछली बार जो मैंने बनाई थी जब अपन गए थे ऊं पर्वत, तो बीच में वो नूडल्स बनाए थे, वो तो बड़े गंदे से नूडल्स थे, ये अच्छे हैं, इस बार अच्छे हैं। मैं दिखाऊंगा आपको लास्ट में कि कौन से वाले कैरी कर रहा हूँ मैं। तो अभी जो मैं आलू फ्राई करूँ ना, ये प्रॉपर ना कुरकुरे सिकने चाहिए, चारों तरफ से सिक जाने चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, दो तरफ से तो पक जाएगा लेकिन बीच में से कच्चा रह जाएगा, फिर खाने में ना मज़ा नहीं आने वाला। तो इसीलिए ना अभी मैं लो फ्लेम पे बिल्कुल कुक कर रहा हूँ, ताकि अपनी मशरूम भी फ्राई हो जाए अच्छे से और अपने आलू भी बराबर सिक जाए। ओके तो हमारी तीन डिश तैयार हो चुकी है, एक लास्ट रहती है वो, और बनाते हैं फिर करेंगे अपनी पेट पूजा, क्योंकि भूख बहुत जोरों से लग रही है और सुबह से कुछ भी नहीं खाया। कंटिन्यू ड्राइव ड्राइव ड्राइव। फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट, हमारा लंच बढ़िया तरीके से कुक हो गया है। हमारी इधर है वेज चाउमीन प्लस सैलो फ्राइज, हमारे पोटैटोज प्लस कॉर्न, इधर हाफ फ्राइड एग्स, और साथ में हमारा हो गया गार्लिक ब्रेड पिज़्ज़ा, एक नंबर। ओके तो फाइनली कुकिंग के बाद अब खाने का टाइम आ गया है, तो थोड़ा सा सॉस डालते हैं। वेरी गुड। मस्त बना है। दिस इज गार्लिक ब्रेड पिज्जा।
अल्टीमेट। ये नज़ारे, अच्छा फूड और क्या चाहिए। नूडल्स बहुत अच्छे बने सच में, मेरे को थोड़े और बनाने चाहिए थे। एवरी डिश हैव डिफरेंट टेस्ट। अगर आप एक चीज़ से खाते खाते बोल जाओ, दूसरे पे शिफ्ट हो जाओ। भाई साहब फुल पेट भर गया, अभी तक बब्स आ रहे हैं और मज़ेदार था आज का मील। बाकी तो नज़ारा आप देख ही रहे हो मेरे बैक साइड में, बहुत सुंदर है। और वेदर ऐसा हो गया ना, मुझे कब कभी छूट रही है, जैकेट पहननी पड़ेगी, अदरवाइज़ उसके बिना काम नहीं होने वाला। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इसके बाद अपन शुरू करेंगे नाइट वाली कैंपिंग, जो हमने खुद अपनी मेहनत से ऑनिंग बनाई है वो ओपन करेंगे, आपको दिखाएंगे कैसी बनी है और देखते हैं। बहुत बढ़िया लाजवाब आज डिनर कुक करते हैं। वेदर ओपन है, खुला है, मज़ा आने वाला है। शायद तारे दिखे शाम के टाइम, अगर नहीं दिखे तो अच्छी बात है, बादलों वाले वेदर का मज़ा लेंगे। तो पता है ना आपको क्या कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।